तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि बटन स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज का जो मेरा विषय है वो है इस हमारे थुजा के पौधे पर। तो इस थुजा के पौधे को मुझे लाए हुए आज 3 से 4 दिन लगभग हो चुके हैं। फिलहाल ये वैसे तो आपको जो है अपने क्लाइमेट में रखना चाहिए थोड़े दिनों के लिए, पर मेरे पास में समय नहीं है मैं इसको रख पाऊँ। फिलहाल अगर ये क्लाइमेट मेरे यहाँ का माशाल्लाह ठीक ठाक है फिलहाल तो, और ये भी सर्वाइव हो ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इसको रिपोर्ट करेंगे लाल मिट्टी में लगे हुए प्लांट को किस तरीके से भी रिपोर्ट करते हैं वो भी आपको जानकारी मिलेगी, और नॉलेज की वीडियो आपको ये भी मिलेगी कि ये एक रेयर वैरायटी का थुजा का पौधा है जैसे आप देख रहे हैं। ये इसे कहते हैं इसको बोलते हैं मोरपंखी भी बोलते हैं इसे, और ये बहुत ही प्यारा और अच्छा कलर है इसके अंदर आता है। ये डबल कलर में आता है, वाइट और ग्रीन। तो इसको हम करने वाले हैं आज रिपोर्ट, और इसके साथ ही मैं करूंगा अपने ये वाले 4 पौधे और रखे हैं। तो मैंने फिलहाल 5 गमले ले रखे हैं, मैं फिलहाल आपको एक यही वाला करके दिखाऊंगा। इसमें आपको दोनों चीज़ों की बातें पता चल जाएंगी कि पहली बात तो ये रेड सॉइल में है और दूसरा पुणे का है, और तीसरी बात ये इसकी मिट्टी जो होती है वो बड़ा हार्ड होती है, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द रिपोर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हमारी रूट जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर आप पानी डालना इसमें भूल जाएँ तो बिल्कुल पत्थरनुमा एकदम ईंट के टुकड़े की तरह हो जाती है। देखिए चपकनी होती है, ये इस तरीके से इसके ढेले भेले बन जाते हैं बिल्कुल एकदम, तो ये ठीक नहीं है। तो फिलहाल मैं तो आज इसको बदलूँगा और देखूँगा मैं किस तरीके से इसको लगाने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये है हमारी मिट्टी। मिट्टी बताऊंगा मैं क्या क्या लेने वाला हूँ मिट्टी के अंदर, तो वो भी आपको पता चलेगी, और मिट्टी कैसी है वो भी आपको पता चलेगी। तो ये तो सबसे पहले मैंने ले रखी है पीट माउस, और देखें ये पीट माउस है, और ये मैं गमलों की छेद के नीचे लगाने वाला हूँ, और ये सही समय है आप इसको कर सकते हैं रिपोर्ट। और दूसरी चीज़ जो है हमने ले रखी है ये हमारी गार्डन सॉइल, और ये गार्डन सॉइल क्या है एक अपने आप में कंपोस्ट है वेरी कुर्सी का, और ये जो है हमारी बिल्कुल एकदम कंपोस्ट नुमा है, पर ये कंपोस्ट की तरह ही काम करेगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से भी वर्मी कंपोस्ट और कोको राइस हस्क, सॉरी कोको हस्क का नाम आ रहा है, ये राइस हस्क है इसके अंदर, और ये देखिए वर्मी कंपोस्ट के डेले निकल रहे हैं, और इसमें गोबर की खाद भी मौजूद है, और इसमें देखें इस तरीके से हमारे केचुए भी थे मौजूद जो बोलते हैं अमेरिकन घेसे जो वो वाले हैं ये। तो इसको आज हम और क्या लेने वाले हैं इसके अंदर ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा सामान मैं ऐड इसलिए और करूँगा क्योंकि अभी मैं इसे काफ़ी समय से मेरे कट्टों के अंदर भरी हुई रखी हुई थी, तो किसी किसी कहीं कहीं जगह जगह पर मुझे फंगस का थोड़ा सा वो दिखा, बहरहाल कीट तो मुझे एक भी नहीं दिखा, जैसे कि जो होना चाहिए जिस तरीके से वो दीमक होती हैं सफ़ेद सफ़ेद सी, वो मुझे फफूंद वाली अभी तक इसमें नहीं दिखी है। फिर भी मैं एहतियात के तौर पर ये जो है इसके लिए मैं कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर फंगस टाइप का ये दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये फंगस है ये देखें। तो इसके लिए जो मैंने लिया है सबसे पहले तो मैंने लिया है इसके लिए लिया है मैंने साफ, ये है फंगीसाइड। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी ले ही ली, मैंने कही क्यों नहीं इसको भी थोड़ा सा ऐड ही कर लेता हूँ, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा नहीं लिया इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है, और जो थोड़े बहुत कीटनाशक जो होते कीट जो होते हैं मतलब उसके कीटनाशक के लिए ये हमने लिया है नीम की खल है, ये ब्लैक ब्लैक ये डार्क ब्लैक आपको वो दिख रही है, ये ब्राउन ब्राउन हमारी वर्मी कंपोस्ट है, और ये हमारा है फंगीसाइड पाउडर। तो हम इसको मिलाएंगे और 5 पौधों के लिए हम लेंगे। फिलहाल हम ये हमने इस तरीके से मिला लिया, तो आप जब जितनी मीडिया आप ले रहे हैं उस गमले के लिए आप ये हमने इतनी इसमें मिला लेनी है, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे इतनी ही मिलाएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये मीडिया बड़ा ही प्यारा मीडिया है, लाइट वेट मीडिया है, और देखिए ये डेले थोड़े बहुत हैं इसमें, डेले बन गए रखे रखे काफ़ी समय से रखी हुई थी, कर लगभग साल भर हो चुकी है, तो कहीं कहीं है मिट्टी के डेले, तो उसको आप तोड़ लीजिए इस तरीके से, इजीली टूट जा रहे हैं ये देखें, ये इसमें कुछ गोबर के जो टुकड़े हैं वो भी हैं देखें, ये देखें गोबर के टुकड़े भी हैं जो कि ठीक ठाक है। अब ये देखिए ये है हमारा गमला जो है हमारा लगभग 11 इंच के करीब, 10 से 11 इंच के करीब, तो इसके जो छेद हैं इसमें आप देख रहे हैं नीचे, तो इसमें हम सबसे नीचे तो ये लगाएंगे, इसके अंदर से ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बढ़िया रहता है, इसमें कोई ख़तरा नहीं होता है कि इसके छेद बंद हो जाएं, और जो हम ठिकड़ी लगाते हैं उससे ख़तरा बना रहता है कि छेद कभी भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि
अक्सर ऐसा होता है कहीं लगाओ तो कहीं मिलती है वो, क्योंकि सरक जाती है इधर से उधर। अब ये सरके या न सरके से हमें वो नहीं है कि इसके छेद बंद हो जाएंगे। फिलहाल ये देखें इस तरीके से हम इस मीडिया को पहले लेंगे, और ये काफ़ी प्यारा मीडिया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए इस वाली मीडिया को, बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये। ये मैंने पहले ही बना रखी है, आपके पास जो गार्डन सॉइल होती है उसको आप भर के रख लेते हैं, ये वो वाली है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगी आपके पौधों के लिए। फिलहाल ये देख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से भर लूँगा, मेरे ख्याल से ओवर हो गई है थोड़ी सी, अब हम इसे ठसक लें। अब इसकी बात आई तो ये इसका गमले का साइज़ देख सकते हैं आप, ऑलरेडी पहले से ही छोटा है, ये देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बड़ा है, इसका थोड़ा सा ही साइज़ आप बड़ा लेंगे और ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। फिलहाल अब इसको निकालने की बारी है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग को निकालूंगा इस तरीके से। इस तरीके से देखता हूँ खींच करके, ये देखिए ये हमारा पौधा निकल गया है। अब मैं इसी के अंदर थोड़ी सी इसकी मिट्टी जो भी है मीडिया वो इसके अंदर ही थोड़ी थोड़ी झाड़ दूंगा, ज़्यादा नहीं करना है। और मौसम तो वैसे ठीक ठाक है, फिर भी आप ज़्यादा रूट डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ज़्यादा रूट डिस्टर्ब होने से जो है थोड़ा सा सर्वाइव में फिर टाइम ले जाएगा ये। अभी बिल्कुल हम ज़्यादा नहीं लेंगे इसकी, लगभग 50% के करीब इसकी मिट्टी हम ऊपर से और साइडों से और नीचे से थोड़ा सा इस तरीके से छुटा लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 50%, मैंने हालांकि 50% से ज़्यादा ही निकाल ली है। तो इसको देखें, यहाँ इतनी ये पूरी पॉट भर के ही निकली है, अब ये थोड़ी बहुत रह गई है, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है, इसे हम लगाएंगे अब इसके अंदर, देखें ये इस तरीके से, और सीधा रखेंगे। पहले तो हमारा इसका टेढ़ा था ये, तो अब हम इसको सीधा करके रखेंगे, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, और ये देखिएगा, और ये बड़ा प्यारा सा लुक देगा जब ये इसकी हाइट बढ़ेगी और हम इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर। और धान की भूसी भी देखें इसमें है, कहीं कहीं आ रही है, तो ये है इसका लगाने का बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट समय इसका यही रहता है कि आप पहले बार तो सर्दियों में लगा, वरना रेनी सीजन में आप इसको रिपोर्ट कर लें, और नहीं तो जो है आप शाम के टाइम पर इसको रिपोर्ट करिए, ताकि इसको रात भर का मौसम बढ़िया मिले। ये देखिए ये लग गया, मैं इसमें पानी लगा करके दिखा देता हूँ। तो यह है हमारा फाइनल बिल्कुल एकदम से, और फाइनल के बाद हम इसमें लगाएंगे पानी, और पानी आप फंगीसाइड का दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं भी है, पहली बार तो हमने ऑलरेडी इसमें मिला रखा है, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा से फंगीसाइड नहीं देंगे। अब इसी तरीके से हम सारे पौधों को अपनों को लगा लेंगे। तो यही था मेरा वीडियो इस वाले थुजा के ऊपर, और ये बड़ा अच्छा है, इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने शॉपिंग वाली वीडियो अपनी डाली है कि कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं, आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़, और आप अपनी प्यारी सी कमेंट करते रहिए। चलिए आप अपना और अपने पौधों का दोनों का ख्याल रखिए।